हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि हीरो स्प्लेंडर, पैशन प्रो, सीडी डीलक्स, सीडी डॉन का टाइमिंग चेन कैसे चेंज करें। तो फ्रेंड, मेरे पास हीरो स्प्लेंडर बाइक आई हुई है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, टाइमिंग चेन हमारी काफ़ी ज़्यादा लूज हो चुकी है और ये ख़राब हो चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा साउंड इसकी ख़राब थी। तो फ्रेंड, चलिए हम फटाफट इसको ओपन कर लेंगे और आप लोग को बताएंगे क्या क्या चीज़ ओपन करना पड़ता है, और फ्रेंड क्या टाइमिंग चेन लगाने के लिए हमको टाइमिंग कैसे मिला है हम इसमें, तो एक एक स्टेप आप लोग को बताएंगे। तो फ्रेंड वीडियो में बने रही, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड, टाइमिंग चेन को निकालते समय हमको टॉप पोजीशन पर मैग्नेट को रख लेना है, ताकि हमारी टाइमिंग चेन लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो फ्रेंड, चलिए हम फटाफट मैग्नेट को बाहर ओपन कर लेते हैं, और उसके बाद मैग्नेट प्लेट को भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड, हम इसमें न्यू टाइमिंग चेन कैसे इंस्टॉल करेंगे आप लोग को दिखाएंगे। तो फ्रेंड, इसकी टाइमिंग भी कैसे मिलाना है, एक एक स्टेप आप लोग को बताएंगे। तो फ्रेंड, चलिए फटाफट हम इसको ओपन कर लेते हैं सारे पार्ट्स को, उसके बाद टाइमिंग चेन को हम सेट करेंगे। तो फ्रेंड, फाइनली हमने टाइमिंग चेन को बाहर निकाल लिया है, और चलिए मैं इसमें अब न्यू टाइमिंग चेन को इंस्टॉल करूँगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग को दिखा दी, ये हमारी जेन्युइन टाइमिंग चेन है और हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा मैग्नेट रोलर है, तो फ्रेंड ये हमारा सिलेंडर रोलर है, तो हम इसको भी इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड, ये सब पार्ट्स, सारे पार्ट्स हम इसमें इंस्टॉल करेंगे न्यू। तो फ्रेंड, चलिए हम टाइमिंग चेन को सेट करते हैं, अंदर लगाते हैं। तो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से आपको आगे की ओर से डालना होगा टाइमिंग चेन को, और इस तरीके से कुछ सेट करना है। तो फ्रेंड, चलिए हम फटाफट इसको हम सेट करते हैं। तो फ्रेंड, इसको हम बोल्ट एक फंसा लेंगे, वरना हमारी टाइमिंग चेन अंदर चली जाएगी, तो हमको प्रॉब्लम होगी निकालने में बार बार। तो फ्रेंड, हम इस तरीके से बोल्ट फंसा के हम टाइमिंग चेन को क्रिंग सॉफ्ट में सेट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको केम सॉफ्ट पर कुछ इस तरीके से चढ़ा लेंगे, उसके बाद बोल्ट को हम बाहर निकाल लेंगे और सिलेंडर रोलर को हम सेट करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हमको सिलेंडर रोलर को अंदर सेट कर लेना है। और तो उम्मीद करता हूँगा कि फ्रेंड कि आप लोग को वीडियो समझ आ रही होगी। तो फ्रेंड, हमारा सिलेंडर रोलर अंदर की ओर चला गया, और हम इसमें बोल्ट को लगा करके हम इसको टाइट कर लेंगे। तो फ्रेंड, चलिए हम इसको टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, ये कुछ इस तरीके से हम इसका सेंटर को होल को मिला करके हम बोल्ट को फंसा लेंगे और हम इसको टाइट कर लेंगे। तो फ्रेंड, उसके बाद हम इसमें मैग्नेट रोलर लगाएंगे, छोटा वाला। तो फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं हमारी टाइमिंग चेन अच्छे से सेट हो रही है। तो फ्रेंड, हम छोटा वाला रोलर को भी हम सेट कर लेंगे, मैग्नेट रोलर को। तो फ्रेंड, ये हमारा मैग्नेट रोलर है, हम इसको सेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, हमारा ये मैग्नेट रोलर भी सेट हो गया। अब इसमें हम बोल्ट फंसा करके हम मैग्नेट को टॉप पे ले लेंगे। तो फ्रेंड, हमने मैग्नेट को पहले ही टॉप पे किया था, और आप लोग को दिखाते हैं कि कैसे टॉप पे करना है। तो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैग्नेट को फंसा करके कुछ टॉप पे यहाँ पे रख लें। तो फ्रेंड, हमने मैग्नेट को टॉप पोजीशन पे रख लिया है, और हम टाइमिंग चेन गलारी को अच्छे से सेट करेंगे। तो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से पेचकस की मदद से हम इसको अंदर सेट कर लेंगे, और इसका टॉप जो है काफ़ी अच्छे से हम मिला लेंगे। तो फ्रेंड, ये हमारा टाइमिंग जो है, हम इसको ऊपर नीचे करके पेचकस की मदद से हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको इसकी टाइमिंग कैसे से कहाँ पर रखना है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, ये मैग्नेट का टॉप जो है मार्क के सामने रखना है, और फ्रेंड गलारी का बोल्ट हम काफ़ी अच्छे से टाइट कर लेंगे। उसके बाद हम मैग्नेट को बाहर निकाल लेंगे, और उसके बाद हम लूज स्प्रिंग को इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड, टाइमिंग चेन न्यू डालने के बाद हमें लूज स्प्रिंग का ही यूज करना चाहिए, वरना हमारा टाइमिंग चेन जो है ख़राब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फ्रेंड, जब भी टाइमिंग चेन नहीं लगाए तो उसमें लूज स्प्रिंग ही सेट करें, हार्ड स्प्रिंग ना लगाएं, वरना हमारी टाइमिंग चेन ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड, ये हमारा मैग्नेट ओरिंग कुछ है, जेन्युइन है ये। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम इसको ग्रीस की मदद से कुछ इस तरीके से छोटी छोटी ओरिंग को हम सेट कर लेंगे और चिपका देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम ओरिंग, बड़ी वाली ओरिंग को सेट करेंगे। तो फ्रेंड, हमको इसमें रेसी बोन का यूज़ नहीं करना है, और
ग्रीस का हल्का सा मूव करके हम इसको सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड कुछ इसी तरीके से आप लोग को सेट करना है, तो हमारा मोबिल भी लीकेज नहीं होगा। तो फ्रेंड चलिए हम फटाफट इसको सेट करके टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमारा मैग्नेट कॉइल प्लेट जो है काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसको बोल्ट जो है सारे बोल्ट को टाइट कर लेंगे काफ़ी अच्छे से, वरना हमारा मोबिल लीकेज करेगा। तो फ्रेंड ये हमारा न्यूट्रल का तार वायर है, तो हम इसको भी सेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें मैग्नेट को इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड हम इसको मक्खी को चेक कर लेंगे और उसके बाद मैग्नेट को हम टाइट करेंगे। अब काफ़ी अच्छे से मक्खी में इसको सेट कर लेना है चाबी में। तो फ्रेंड ये हमारा मैग्नेट काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसको 14 नंबर नट की मदद से ये टाइट होता है, तो हम इसको टाइट कर लेंगे। तो फ्रेंड चलिए फटाफट हम इसको टाइट कर लेते हैं। तो फ्रेंड कुछ इसी तरीके से आप लोग को भी इसको लॉक करके 14 नंबर कुटका की मदद से इसको हमको टाइट कर लेना है। तो फ्रेंड मैग्नेट हमारा फाइनली टाइट हो चुका है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो हमारा मैग्नेट काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका है। और अब हम इसको के गोला कवर को जो है काफ़ी अच्छे से हम टाइट कर लेंगे। और फ्रेंड अब हमारी साउंड जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड चलिए हम ऑयल बल्ब को भी टाइट कर लेंगे। मोबिल हमारा लीकेज हो रहा था, तो गाइस हम इसमें थोड़ा सा मोबिल का टॉप अप कर लेंगे। तो फ्रेंड हमारा मोबिल का जो है टॉप अप हो चुका है, और अब हम आयल गेज को काफ़ी अच्छे से टाइट कर लेंगे। उसके बाद हम मैग्नेट कवर को भी टाइट कर लेंगे। तो फ्रेंड गाड़ी का साउंड जो है मैं आप लोग को नहीं सुना सकता, क्योंकि बाइक में पेट्रोल नहीं है। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को एंड करते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर।